हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे, अगर आप अपनी किसी बॉटल, कैन या किसी भी इस तरह के इमेज पर प्रोफेशनल वे में लोगो या टेक्स्ट इस पर ऐड करना चाहते हैं, यानी इस पर प्लेस करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना लोगो ले आइए जो आप इस बॉटल पर प्लेस करना चाहते हैं। मैंने इस विंडो पर पहले से इसको ओपन करके रखा हुआ है। इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ लाने के बाद छोड़ देंगे। अब हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको इस तरह से छोटा करेंगे इसका साइज, और इसको इस तरह ड्रैग करने के बाद थोड़ा रोटेट करेंगे, और जहाँ भी आप अपनी बोतल पर प्लेस करना चाहते हैं आप उस हिसाब से अपने लोगों को एडजस्ट कर लीजिए। इस तरह से आप अपने कीबोर्ड की एरो कीज से भी इसको पिक्सल बाय पिक्सल ऊपर या नीचे कर सकते हैं, और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आप अपनी इस बोतल वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे से इसकी एक कॉपी बना लीजिए। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और यहाँ ही सेचुरेशन वाली विंडो ओपन होगी। यहाँ आप सेचुरेशन वाले स्लाइडर को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, -100% इसकी वैल्यू करेंगे और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप इसको ड्रैग करते हुए टॉप पर ले जाएंगे। यहाँ टॉप पर लाने के बाद इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क कर देंगे। अब आप देख सकते हैं उसने इसको क्लिपिंग मास्क कर दिया है। ये एरो का निशान भी आपको दिख रहा होगा। अब आप यहां से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। हम यहां नॉर्मल पर क्लिक करेंगे और यहां से यूज़ करेंगे लीनियर लाइट। अब लास्ट स्टेप में हम यहां से इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसकी 60% के पास रखूंगा और यहां से ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा लोगो अच्छे से प्लेस हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर ड्रॉप्स भी इस पर दिख रहे हैं। तो इस तरह आप प्रोफेशनल वे में अपना लोगो कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।